स्वागत है दोस्तों आपके अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं दिखाने वाला हूं आपको थ्रेसर से कैसे हम लोग गेहूं दाते हैं। ये देखिए वो साते हैं कैसे। तो ये मेरा खेत है और इसमें से जो बोझ थे उसको हम लोग एकत्रित कर लिए हैं एक जगह। उसके बाद से आप देख रहे हूँ वहाँ पर मशीन चल रही है, मशीन हमारे पास आएगा उसके बाद से, और ये मेरा जो गल्ला है उसको थ्रेसर से थ्रेसर द्वारा उसको दाएंगे, और उसके बाद हम जो गेहूँ रहेगा उसको घर पहुँचाएँगे। तो फिलहाल में देखिए अभी मशीन को आने में हमको लग रहा है आधे घंटे का वक्त है, तब तक आप क्या कहना चाहेंगे? आइए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यह भाई कोई काम वाम नहीं करते हैं, देखिए ऐसे ही सब। ये देखिए ये है, इसे उठाएंगे और उठा कर वहाँ पे लेकर एकत्रित करेंगे। उसके बाद से वो जित दिख रहा है मशीन आएगा, आपको दिख रहा होगा वो आएगा तो यहीं पे लगाएंगे, और भूसा जो होगा भूसा यहाँ पे आएगा नीचे, यहाँ पे चूँकि साफ जगह है तो यहाँ पर भूसा रखने में बहुत बढ़िया होगा। और जो गेहूँ रहेगा तो गेहूँ को हम लोग साइकिल से ले जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, लगभग 35 बोझ हैं, और जो बोझा है काफ़ी बड़ा बड़ा है क्योंकि इसे हम लोग स्पेशली रूप से बांधे थे। और आप लोग को दिखा दूँ एक बार और ये जो बोझ है काफ़ी बड़ा बड़ा है, देख लीजिए। और ये हमारी दादी जी हैं, इनको मना करते हैं खेत में आने के लिए, नहीं मानती हैं, बोलते हैं कि मत जाइए खेत में, तभी आ जाती हैं। वीडियो बनाता है, और ये देखिए मेरा प्यारा मिर्चा का खेत है, आज इसमें पानी देने वाला थे, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए आज पानी नहीं दे पाए, फिर भी प्रयास करेंगे पानी देने के लिए। तब तक ले ऐसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिर्च कितने बार दिखाएं यार, मिर्च आपको दिखा चुके हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा मिर्च दिखाने में बार बार। गजरा नहीं बोए हैं। और ये देखिए आपको एक नया न्यूज़ दिखाता हूँ, रात को आई थी यहाँ पे हार्वेस्टर आया था जिसे बोलते हैं हम कंपाइन, तो आया था, तो ये देखिए ये पूरा खेत काट चुका है यहाँ पे, और ये काट दिया है तो पूरा जितना हमको लग रहा है कि 7-8 बीघे में था सबका खेत मिलाकर, काट कर 1-1.5 घंटा में चला गया है। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काटा हुआ है, इसमें गेहूँ की जो बाले हैं, बाले देखिए बाले छूटी हुई हैं थोड़ी सी, लेकिन उतना तो छूट ही जाता है। और इसकी दो उसका भूसा है तो भूसा की ओर मतलब ज़्यादा साफ भी निकला हुआ है। और देख लीजिए खेती ये है, मतलब किसानी से जुड़े रहिए और ऐसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए काफ़ी कितना खूबसूरत माहौल है, वहाँ पे सूर्यास्त हो रहा है और देखिए चांदनी अभी दिख नहीं रही है, थोड़ी सी चांदनी आ जाएगी। हर एक वीडियो सूर्यास्त के समय बनाते हैं। और आज मुझे टाइम मिला है खेत में आने के लिए, तो आज मैं ब्लॉग बना दिया, उसके बाद से फिर 2-3 दिन बाद खेत में आऊँगा तो फिर ब्लॉग बनाऊँगा। और तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, और क्या बोलूँ, देखिए वहाँ पे बोझ ख़त्म हो गया है, जो बोझा था वो ख़त्म हो गया है, और उसके बाद से मशीन हमारे यहाँ आएगी, उसके बाद से मेरा जो अब देखिए आपको चल रहा हूँ, देखिए हम लोग लाए हैं तेल डीजल लेके आए हैं और अपने इंजन में डालेंगे, उसके बाद से अपने खेत की सिंचाई करेंगे। तो आप लोग को डीजल दिखा देता हूँ, डीजल का रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लगभग हमको लग रहा है 100 रुपये नहीं तो 90 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार, तो ये देखिए मेरा भाई लेके आया है छोटा भाई, तो यहाँ से देखिए गिरा दिया है, उसके बाद चलेंगे हम इसे डालेंगे, उसके बाद से अपना इंजन स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे को लग रहा है कि चाबी गुम हो गया है, अब ताला तोड़ना पड़ेगा नहीं तो चाबी ढूंढना पड़ेगा, इसको लाने से कुछ फ़ायदा हुआ भी नहीं। तब तक के लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।